सो है गाइस। तो दोस्तों मैं तो इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैप्चा कोड होता क्या है और आप इसे किस तरह से भर सकते हैं, क्योंकि कैप्चा कोड भरने में बहुत सारे मतलब आदमी को परेशानी होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैप्चा कोड को बहुत आसानी से कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यह कैप्चा कोड होता क्या है। दोस्तों कैप्चा कोड का फुल फॉर्म कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन यानी कि आदमी और रोबोट में अंतर पहचान है उसे हम कैप्चा बोलते हैं। यानी कि पहले होता क्या था कि पहले कैप्चा कोड नहीं होता था किसी वेबसाइट पे, तो कोई बंदा जाता था अकाउंट क्रिएट करने के लिए, वो तो अकाउंट क्रिएट कर लेता था, पर जिसे किसी से दुश्मनी थी तो वो क्या करता था कि एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेता था। स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद में जो है वो ऑटोमेटिकली जो है जाके अकाउंट क्रिएट करने लगता था, जिसके चलते जो उसका डाटाबेस भर जाता था। अब जैसे आजकल जो है रेलवे का जो टिकट बुकिंग होता है उसमें जो है करेक्ट टाइमिंग हमको मिलता है कि 11 बजे जाके जो बुकिंग करना होता है, तो अगर उसमें कोई रोबोट अगर स्क्रिप्टिंग किया हो तो वो तो जाके ऑटोमेटिकली बहुत सारे टिकट बुक कर लेगा पहले ही। तो इससे जो है इसे ध्यान में रखते हुए एक कैप्चा कोड का निर्माण किया गया कि जो रोबोट है वो कैप्चा कोड को नहीं डाल सकता है, क्योंकि कैप्चा कोड हर बार बदल बदल के आता रहता है। तो कैप्चा कोड डालने के बाद ही जो है आप अगला अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे लोगों को बेनिफिट होने लगा। तो दोस्तों कैप्चा कोड के आने के बाद से सबसे पहले हमें कोड डालने को मिलता था जो कि कंप्यूटर स्कैनिंग ना कर पाए, वैसा ही कोड हमको मिलते थे। तो उसके बाद से नया फिर एक आया और रिकैप्चा, जिसमें हमें कुछ इमेज दिखाया जा रहा है, आपको मिलाना है उस इमेज को। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैप्चा कोड कैसे भरना है। तो सबसे पहले मैं आपका क्रोम ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ओपन कर लेने के बाद में यहाँ से मैंने आपके लिए दो डेमो दिखाने के लिए आपको यहाँ पे कैप्चा कोड निकाल के रखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिख रहा है आई एम नॉट अ रोबोट। तो अगर इस चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है कभी कभी ऑटोमेटिकली साइन हो जाए, आपके जो है कर्सर के मूवमेंट के हिसाब से जो है इसमें होता है। तो यहाँ जो है आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे चिमनीज है, जितना चिमनी इसमें दिखाई दे रहा है पिक्चर में आपको मैच करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस वाले पिक्चर में चिमनी दिखाई दे रहा है और इस वाले पिक्चर में चिमनी दिखाई दे रहा है और इस वाले पिक्चर में थोड़ा सा चिमनी दिखाई दे रहा है और बाकी कहीं चिमनी दिखाई हाँ इस वाले पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो आपको ये चारों पिक्चर पर टिक लगा के आपको वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ से अगर मैं वेरीफाई करूँ तो हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर पिक्चर को आप वेरीफाई करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और ऑडियो पर क्लिक कर देने के बाद में आपके सामने कुछ ऑडियो बोला जाएगा और ऑडियो को आप सुन के आपको यहाँ बॉक्स में भरना होता है, जिसमें कुछ नंबर या वर्ड बोला जाता है, तो आप उसमें भर सकते हैं। और अगर आपको ऑडियो नहीं सुनना है तो फिर से आप जो है इमेज पे आ सकते हैं। तो यहाँ से हमें बोला जा रहा है कि ट्रैफिक लाइट को चूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं इस ट्रैफिक लाइट का जो है पार्ट चारों पिक्चर के आधार में है। तो आपको सिंपली इस ट्रैफिक लाइट को चूज़ कर लेना है और यहाँ पर एक ट्रैफिक लाइट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आपको नेक्स्ट पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे कि वो गलत था तब यहाँ पे फिर से आपको बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पे ब्रिज को सेलेक्ट कर लीजिए। तो वेरीफाई करने के बाद में यहाँ से जो है आपका जो है डन हो जाता है। तो आई एम नॉट अ रोबोट, इस तरह से आप इस कैप्चर को भर सकते हैं। और आपके सामने मैं एक और कैप्चर दिखाता हूँ, उसे आप कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक और वेबसाइट ओपन करके रखा है आपके लिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर वेरीफिकेशन के लिए यहाँ पे कुछ कोड दिया गया है। तो ऐसा कोड होता है जो कंप्यूटर स्कैन नहीं कर पाता है, तो इसी कोड को आपको यहाँ पे पुट करना होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली बिना स्पेस का यहाँ पे लिखना होगा 8CB24। तो इस तरह से आपको लिखना है और आपको जब सेंड कर देंगे तो सब हो जाएगा सही। अगर किसी कैप्चा कोड में दोस्तों यहाँ से जो है ब्लरिंग करके लिखा होता है ताकि अच्छे से समझ में ना आ पाए, तो आप यहाँ से रिफ्रेश करके जो है चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैप्चा कोड को कैसे भरा जाता है, और थोड़ा कम डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है कि कैप्चा कोड जो है क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।